तुमने दिना किले जकसा करो कबो पाछरो और मुगो रहतियो सो और हो तरो नि मेर बुढो चाहा बडा राहिनी फिर म चाहा पीछो गिलास खको छु फिर गोड जछु थाप गाड्छु फिर राट भको छ फिर राबे हो त कोही बात नै कान हुन अगविन चाओ ग आ जाड हरो हना दिन बा सगड म आग देगा दुल्हन थी 15 साल की दुल्हन थे। अब वो दुल्हन 77 साल की हो चुकी है हमारी अम्मा और बुबू भी आए हैं वो दुल्हा 78 साल के हो चुके हैं। अभी काम करूँ साफ सफाई करूँ घर में अपने परिवार वालों से मिलाने वाले हैं आपको। ये हमारी सबसे बड़ी ताई जी और ये है छोटी वाली ताई जी, ये हमारी अम्मा जी। कल शाम बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई, तेज बारिश क्या हल्की फुल्की बारिश हुई, उस वजह से आज सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले धूप का आना हुआ और हमने थोड़ी देर पहले ही नहाया है और जाड़ा हो रहा है। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग? तुम्हारा भाई एकदम फर्स्ट क्लास एंड मस्त एंड उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग आप भी एकदम अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए आपसे एक बात करते हैं और आपसे एक गुफ्तगु की जाए, आज के दिन की शुरुआत की जाए। तो चलिए भाई लोग, 2 बजे से फिर से हम ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि पहले कि भाई यहाँ बगल में जो अम्मा है वो गुजर गई एंड उसको 10 दिन हो चुके हैं और जो हमारी फैमिली है वो मतलब परिवार पूरा 10-12 मवास वो यहाँ आए हैं और काम वाम करने के बाद अपने अपने जो गप्पे वप्पे मारे हैं। तो चलिए ले चलते हैं हम उन्हें, आपसे थोड़ा मिलाते हैं यार। तो अभी हम अपने परिवार वालों से मिलाने वाले हैं आपको। ये हमारी सबसे बड़ी ताई जी और ये है छोटी वाली ताई जी, ये हमारी अम्मा जी और ये मम्मी होगी हमारी और पीछे से आप भाभी जी को दिखाएंगे। ये है सबसे बड़ी भाभी, मोटी भाभी वो और ये हमारी बुआ होगी बड़ी वाली। अब दिखा थोड़ा और इधर को घुमाते हैं कैमरा। और ये होगी हमारी चाची जी और ये छोटी वाली भाभी होगी बीच वाली, मतलब दो भाभियाँ तो घर नहीं हल्दानी है वहाँ। और अब दिखाने वाले हम अपनी अम्मा को ये है हमारी अम्मा चश्मे वाली, 90 साल होने वाले हैं इनको अभी। तो अब इनसे थोड़ा बात करते, थोड़ी सी बात हाथ कर लेते हैं। तो किससे करें बात अम्मा, बताओ कदगढ़ कानू बात ताई दगड़ बानो। ताई जी बताओ तुम अपन मतलब जेठानो तुम हाल चाल नंचगानवा नंचगानो रति उठवे क्या क्या काम जी तो जब पहले तो काम पहले काम तो वो तो नो कावे था बताओ साल की क्या हो कुर्चा थाब गार क्या है जाती क्या तमात तेर फुल बाबू गाय करती न करती यार है करती न करती। अचानो अचानो बताओ अचानो अब इतना में क्या नगनी खूब पड़ो तो आप तो आप गए गड़ा था इतना चाहो अब बताओ भाभी जी तुम कुछ अपने बारे में रथी उड़बेर क्या कुछ कर सा तुम काम हाँ तुमने दिना किले करो कबो पाछरो और मुगो रहतियो सो और हो तरो मेर बुढ़ चाहा बड़ा रानी फिर मैं चाहा पीछो गिलास फको छु फिर गोड जछु थाप गाड़छु फिर राट भको छ फिर राबे हो त बुआरी आरी नैना तो सुन बार बार सब ठीक छ यो अपन परम ईसाई हरि हो मेर बार सेवा पान कदनी सको मेर बुआरी बहुत दुख छ
गिठान भैंसन बोलते सार सार पाथान बकारसन और ये को थोल से बुरी ही रहते ही सहा सहा लूं गरम पानी लूं खान खोकोवे फिर दवाई पानी दी जाए बने जाने फिर सहा बना जाए आग जगा जाए बने बुझ करें घर बुझ करें मेर की ना दी कॉलेज में जा रही अब ना बापू दगा रहा नौकरी में नौकरी खाना रो अब खाम की है रे यो अब जा रहे हैं सभी लोग घर को सही है ये देखिए चलो फिर घर जाना था अबे जाओ अच्छा और घर जा फिर क्या काम कर ला जादे अब शासन का चाह बड़ा बे चाह दिवन बुरी तार और इंतजार कराल मर मर गुआरी ना हम तो कतर चाह दिया लो अच्छा खायल ले आरो यंग बाबा खायल ले यहाँ से और गुआरी तो सास तो यही आ रही मेरे साथ बुरी भाई का घर है इनकी सासू माँ यहाँ पर हैं सासू ये हैं ताई जी ये हैं ताई जी ये हैं हमारी और ये है इनकी बहू सबसे बड़ी वाली मोटी वाली सबसे बड़ी भाभी बहू है इनकी अब इनकी हो रही है तैयारी घर को जाने गाय बकरी बांधेंगे फिर गाय के लिए घास लाएंगे फिर दूध शाम को दूध निकालेंगे साग पाल लगाएंगे को फिर शाम को सब्जी बनाएंगे रोटी बनाएंगे साहा बनाऊं फिर इससे ज्यादा क्या करते हैं फिर टीवी देखेंगे 11:30 बजे तक कौन सा नाटक देखती हो आप अच्छा। देखती हूँ मैं CID CID देख रही हाँ CID देखती हूँ मैं और ताई जी आप क्या देखती हो तुम क्या देख को मैं क्या नहीं दिया नहीं चलो टीवी मला क्या उन्हें ले गोभी ले आया क्या ताना रहना देख दे कोई बात नहीं क्या नहीं और गोभी चावों को आज दाल आ रही है ना दिन बाद शुगर में आग देगा ताँ बड़ा ताँ कोई बात नहीं क्या नहीं और गोभी चावों को आज दाल आ रही है ना दिन बाद शुगर में आग देगा और सबके सर में यह है क्या बोलते हैं बड़े भैया भी आ गए अभी पीछे से आए हमारे बड़े भैया अभी आज मजले भैया हल्द्वानी से अभी थोड़े दिन पहले ही घर आए हैं क्यों और बगल में राहुल अच्छा घर जाके मतलब आग वाग जलाई और फिर चाह हाँ बड़ा कटकी वाल और फिर आराम गप हप मार गप मार फिर के बाद नाटक देखता फिर मैं चौनी के देखता नारा हो नारा देखो अच्छा वो अनुपमा देव नो क्या कहने है क्या पूछियो क्या हरो चानू मनु मार क्या हरो क्या बना रहा वो क्या कहने वो अरे तुम्हारे खाता हूँ आप कुछ सतर और भूख में उठाता है कदू साल में ब्याह तुम्हारा हमारे ब्याह वो तुम कतु साल आग चलते 16 साल आग मेरा पति है पति हाँ उस टाइम और 15 साल की मैं हूँ तो एक साल छोटी एक 15 साल की एक बस
दुल्हन थी 15 साल की दुल्हन थे। अब वो दुल्हन 77 साल की हो चुकी है हमारी अम्मा और बुबू भी आए हैं। वो दुल्हा 78 साल के हो चुके हैं यार। अम्मा क्या बात करेगी? नहीं अम्मा बहुत उम्र में अम्मा क्या बात करेगी? कोई बात नहीं, हमें आशीर्वाद दे दो तुम लोग। इतना ही काफी है, तुम बस बढ़ते रहा, ठूल रहते रहा, पढ़ाई पढ़ाई करते रहा, बढ़ते रहा, लोटा फोन में तुम लोग वही बढ़ते रहा, आई नो सब डर सब जब बच रहा, बच रहा। ये अम्मा ने बहुत आशीर्वाद दे दिया, अब इनके साथ बहुत ज्यादा नौकरी लग जाओ, बातें होगी हो गई हमारी बहुत ज्यादा। भला मेरा नाम अम्फड़ा बाप है, अम्फड़ा देख ले बेटा। अब हमारी चाची जी हैं छोटी वाली सबसे। मेरे का क्या ना इनमें क्या ना कहो कहो क्या कहूँ मैं क्या ना मेरी बुढ़ी सास तई उठसु चाह पान बनाउँछु चाह पान बनाउँछु क्या नास्ता पान बनाउँछु खुवाउँछु पियाउँछु बम बजाउनु खुसी चाची जी का काम सबका मतलब सब व्यस्त व्यस्त रहते हैं अपने काम में। आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे हम लोग, थोड़ी बीजी बना ली है। अब थोड़ा सा इधर को, ये हमारी अम्मा है। अम्मा अम्मा कैसे कहूँ अम्मा आंसर क्या कहूँ मैं और कमर पीड़ है रे, पेट में है रे, जीबड़ी में बेचैनी है रे, इधर क्या बोलो खबरती साहब राम जिंदगी में छू ना मरी नहीं ना अब गाय के लिए चारा वारा लेते हुए घर को जा रही है। दे निकाल के इन्होंने ये अब जा रही है घर को, कल को आएंगे आप। चलो फिर टाटा बाय बाय।